हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बेड़ाघाट धुआधार घूमने के लिए। देख पा रहे हैं मेरे साथ पवन भाई भी मौजूद हैं। ये मुझसे पहले आ गया था और इसके बाद मैं आया हूं, और बाकी फ्रेंड हमारे सामने आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मेरे फ्रेंड लोग आए हैं। अरे, यहाँ मूर्ति कला भी, अच्छी अच्छी मूर्ति कलाएँ भी हैं इस साइड, और यहाँ खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और यहाँ एक गूगल चश्मा शॉप है, और ये यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स, सब और भी बातें करेंगे ढेर सारी, बट सबसे पहले हम माँ नर्मदा के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में ही यहाँ आएंगे और इनसे बातें करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स बहुत अच्छी मार्केट भी लगती है, ज़बरदस्त। रोज दिन आते हैं बहुत सारे श्रद्धालु। यहाँ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तरह तरह की कारीगरी देखने के लिए मिलता है हमारे जबलपुर भेड़ाघाट दुकानदार में। इस तरह से छोटे से लेकर बड़े बड़े तक कलाकृति देखने के लिए मिल जाते हैं सर। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत बड़ी ही मार्केट है, हमने बहुत आगे आ गया हूँ। हाँ, इस तरह से देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी शॉप हैं, और भी हमने बहुत आगे आया, लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये यहाँ की मार्केट फैला हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ से स्टार्ट होता है धुआधार की जलप्रपात, मांदरामंदा की जल आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ से। और फ्रेंड्स, यहाँ सीजन सीजन में बहुत सारी देखने के लिए मिलता है जगह अच्छा अच्छा, और साथ साथ बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगा रहता है। बट फिलहाल तो अभी कम भीड़ है, बट समय के अनुरूप बढ़ता रहता है। आप देखे हैं हमारे पीछे साइड, यहाँ मार्केट लगता है बहुत ज़्यादा। और जस्ट आगे साइड हम दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ झूला भी देखने के लिए मिलता है। झूला के माध्यम से ऊपर नीचे और दूसरे साइड जाते हैं, तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक, और हमारे साथ आप मजा लीजिए सुंदर दृश्य की। तो आपको हम दिखाते भी हैं साथ साथ, जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तहाँ सब चीज़ दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नीचे, और अब आप लोगों को दिखाते हैं नीचे का पावन दृश्य। हाँ, नीचे का पावन दृश्य। हम आ चुके हैं नीचे साइड, और ये हमारे रणजीत मरावी जी हैं। मरावी जी, हेलो। प्रस्ते जी, ये हमारा प्रस्ते जी है। ये मुकेश प्रस्ते जी हैं। दर्शकों, आप यहाँ देख लीजिए, बहुत अच्छा सा मार्केट लगा है शिवरात्रि के पावन अवसर पर। तो हम आपको बहुत से चीज़ों का दर्शन कराएंगे। हाँ, ये प्रस्ते जी हैं, जो कि हमारे ही फ्रेंड हैं, मरावी जी का फ्रेंड है, तो हमारे भी फ्रेंड हुए। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऊपर साइड से झूला आ रहे हैं, झूला के मज़ा भी लेंगे अपन जाके, तो वहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को। ये देख रहे हैं कि नीचे साइड तक बहुत ज़्यादा मार्केट लगी हुई है, तरह तरह के मिठाइयाँ देखने के लिए मिलते हैं, बहुत तरह तरह की मूर्ति कला, एवं क्या बताएं फ्रेंड्स, जितना बताएं उतना ही कम पड़ता है। और यहाँ देख पा रहे हैं पत्थर भी ज़बरदस्त पत्थर हैं, लाजवाब। तो हम चल रहे हैं फिलहाल धुआधार कि वो जलप्रपात को दिखाएंगे आप लोगों को। हम आ चुके हैं नीचे, और पवन भाई से बात करते हैं। पवन भाई, कैसा अनुभव कर रहे हैं, मतलब एहसास कर रहे हैं यहाँ आकर, बताएंगे? यार, मुझे आके यहाँ, सॉरी, आप सबको मेरी तरफ से सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आपको ले चलते हैं धुआधार के जो पावन दृश्य कहना चाहिए भेड़ाघाट, वहाँ ले जाके आपको दृश्य दिखाएंगे। और एक्चुअली में क्या है, मतलब इस बार मैं पहली बार आया हूँ इस जगह पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उत्सुक था इस जगह को देखने के लिए, और आज मेरी मनोकामना पट्ट भाई के थोड़ा सा मतलब कृपा दृष्टि होने के कारण मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी को इस जगह का दृश्य दिखाएंगे हम, बहुत अच्छा है, सुनहरा दृश्य देखने को मिलेगा आप सभी को। थैंक्स फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, जो कि हमारे काफ़ी पास में है जबलपुर, बट इस साइड आना नहीं होता था मेरा, तो मुझे
समय मिला और साथ साथ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं सोचा कि यार घूमे आऊँ, आप लोगों को यहाँ से रूबरू कराता हूँ, और इसलिए मैं आ चुका हूँ। मैं आता कि नहीं आता, बट महाशिवरात्रि की पावन अवसर था इसलिए आया। और साथ साथ पवन भाई भी बोल रहा था पहले से कि यार कहीं चलते घूमने, तो आपको बताया था पहले भी कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, प्रभाई है, ये बोलता है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करता हूँ और कहीं ना कहीं हम जाते हैं, तो इसलिए हम आ चुके हैं। और भी आपको रोचक तथ्य से अवगत कराते हैं फ्रेंड्स। बस देख पा रहे हैं फ्रेंड, हम चलते चलते लगभग 5-10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, बट पहुँचे नहीं हैं, जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। इतनी बड़ी यहाँ की मार्केट लगती है, साथ साथ मूर्ति कला के तो कहा जाए यहाँ एक खदान है, कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मूर्ति कला देखने के लिए मिलते हैं, तरह तरह के यहाँ देख सकते हैं। और पहले दर्शन करके आ जाएं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों से अवगत कराएंगे। फाइनली आ चुके हैं धुआधार जलप्रपात, दिखाते हैं आप लोगों को, इस तरह से देख पा रहे हैं आप, काफ़ी यहाँ वीडियो भी शूटिंग करते हैं लोग, यहाँ अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करते हैं। और भी यहाँ के जलप्रपात देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा जलप्रपात अच्छा लगता है देखने में। इस तरह से देख पा रहे हैं फ्रेंड, यहाँ ध्रुव आधार इसलिए कहा जाता है यहाँ कि ऊपर से पानी गिरता है। और भी बातें करेंगे, बट सबसे पहले हम नहा लेते हैं, और हमारे मरावी जी लोग नहाए नहीं हैं, तो फ्रेंड्स चलें नहा लेते हैं, उसके बाद में और बातें करते हैं। चलें भाई नहा लेते हैं ना मरावी जी, चलें। तो फ्रेंड्स हम नहा लेते हैं फिलहाल, उसके बाद में और घूमते हैं फिरते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, और भी यहाँ के तथ्यों के बारे से अवगत कराते हैं। तो फ्रेंड्स नहा लें, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे, और ये अम्मा बैठी है उससे बातें करते हैं और खरीदते हैं बेर। अम्मा बेर कैसा दिया, कितना? 10 का। हाँ तो एक दे देना है ना, एक। हेलो, कितना बेच लेती हो अम्मा दिन भर में, कितना बेच लेती हो अम्मा दिन भर में, दिन भर में कितना बेच लेते हो? हमारे भैया पढ़ सो लिखे हो तो हम बताइए उम्र में कितने बज गए। हाँ, 70। हाँ ठीक है, काट के बिक जाए। और थोड़ा बिक जाता है, अच्छा है, अच्छा से बिक जाता है। हाँ ठीक है, लो ठीक है अम्मा। हमने अम्मा से बेर खरीद लिया, और हम ये बेर का टेस्ट भी करते हैं कि कैसा स्वादिष्ट है, तो हम खा लेते हैं। चलो छोड़ दो, आने वाले हैं ना, ये ठंडा वाला। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा टेस्टी है बेर। तो फ्रेंड्स हमें कभी भी हो, हम जाते हैं कहीं भी देखने के लिए अच्छी जगह, तो हमें बुजुर्ग लोगों का मदद करनी चाहिए, वो जो भी लाते हैं उन्हें हमें खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद आत्मनिर्भर होती हैं, जो भी करती हैं अपनी मेहनत से करती हैं, ना कि वो हमसे हेल्प नहीं मांगती हैं, जो भी करती हैं अपनी मेहनत से करती हैं, खाती हैं सब चीज़ करती हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमें अधिक से अधिक बुजुर्ग लोगों की ही हमें हेल्प करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स फिलहाल तो हम नहा लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। इस साइड देख पा रहे हैं फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मेरे, और इस साइड देख पा रहे हैं जलप्रपात है। तो फ्रेंड्स हम नहा लेते हैं बाद में और बातें करते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने नहा लिया है और प्रसाद भी खा लिया, प्रसाद खा लिया और साथ साथ पूजा भी कर लिया। देख पा रहे हैं शायद पवन भाई रेडी हो चुका है और बाकी अन्य दो फ्रेंड्स भी रेडी हो चुके हैं और ये मराजी जी देख पा रहे हैं ये पीछे नीचे बैठा है पवन भाई है। और फ्रेंड्स देख पा रहे हैं आप भीड़ बढ़ता जा रहा है और काफ़ी समय भी हो चुका है इसलिए भीड़ भी बढ़ रहा है, जितना जितने लोग आ रहे हैं उतना जा भी रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, देख पा रहे हैं यहाँ फोटो खिंचाते हैं लोग आते हैं यहाँ, यहाँ देख पा रहे हैं कैमरामैन भी खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कहा जा सकता है कि यहाँ हमेशा डेली डेली बहुत से पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए। हेलो छोटू, हाँ कैसे कैसे बना रहा छोटू? हाँ 20 रुपये का, हाँ अच्छा अकेले करते छोटू? अच्छा अच्छा रोज दिन पढ़ाई करते हो नहीं करते? अच्छा अच्छा हाँ हाँ वहाँ से रहते हैं छोटू। कौन सी क्लास में हो? अच्छा मतलब समय समय आते रहते हो? और कितने बेच लेते हो दिन भर में? फिर भी 400-500। हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा क्या बोलते हैं छोटे इसको? बेलपुरी। हाँ बहुत अच्छा यार, देख बार फ्रेंड्स ये छोटू है बहुत अच्छा बेलपुरी बना रहा। नाम क्या है भाई? कार्तिक, उसका नाम कार्तिक है और ये साथ साथ पढ़ाई भी करता है, कक्षा 5वीं क्लास में है और साथ साथ ये पार्ट टाइम में यहाँ आके बेलपुरी बेचता है। तो इसका कहना है कि लगभग दिन में 400-500 रुपये कमा लेता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें भी कुछ करना चाहिए, एक और लगा देना ना, हो जाएगा क्या बोले भाई? हो जाएगा रहने दो छोटू, है ना? कैसा है भाई पवन भाई, मस्त ना? फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ आके देख भी लिया और साथ साथ आपको दिखाया, तो फ्रेंड्स हमें काफ़ी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया और हम फिलहाल निकल रहे हैं घर के लिए और जैसे रास्ते में देखेंगे शिल्पकार लोग उनसे बातें करेंगे कुछ, तो हम फिलहाल जा रहे हैं। ओहो नमस्ते। अच्छा भैया मूर्ति कैसे कैसे दे रहे हो? अच्छा ये शिवलिंग कितना दे रहा भाई छोटे वाले? सभी रेट का है, 51 रुपये का है, 151 का है, 100 रुपये का है, 251 का है, सब का इसका। और ये बड़ा देव के देख रहा है ये वाला ना? बड़ा देव आपको 1100 रुपये का आएगा, ये वाला 500 रुपये का है और छोटा लेंगे कम का आ जाएगा। अच्छा
ठीक है, ले ये कितना का है? ये 101 रुपये का है। देख भाई, देख दे, दे देखना, देख लेता, देख रहे क्या जाता है। 101 रुपया हम, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है भाई। आप लोग ओहो, आप ही लोग बनाते भाई इसको? हम लोग ही बनाते यहीं से, हम लोग कारीगर खुद बनाते हैं हम लोग। हाँ, यहीं का कारखाना हम लोगों का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आइए बाबूजी, एक मिनट भैया, आइए भाई साहब। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आपकी यहाँ तरह तरह की मूर्तियाँ मिल जाएंगे, साथ साथ ये खुद ही बनाते हैं। वो जैसा हम लोग नेक्स्ट टाइम भी आए, जैसा आप ऑर्डर भी देंगे, कोई मूर्ति बनना हो तो वो भी बना को दे देते हैं। कोई भी साइज का? कोई भी साइज का, ये बड़ा बड़ा मूर्ति ये सब हम लोग ही करते हैं, काम ऑर्डर में बनाते हैं। हाँ, चलो बहुत अच्छा भैया, जैसे कभी आना होगा तो हम जरूर ले जाएंगे जी। अब कार्ड वार्ड है आपका कुछ? कार्ड रख लो ये। हाँ, ये भी पंडित जी का दुकान है, ऑर्डर से ही मूर्ति बन जाती है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद भैया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि यहाँ मूर्तियाँ खुद ही बनाए जाते हैं, यहाँ बनाते हैं यहाँ के लोग, और साथ साथ ये ऑर्डर में भी देते हैं। तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छा दिखाई देते हैं और बहुत ही बेहतरीन रूप से बनाते हैं, यहाँ की कारीगरी भी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, जबलपुर की बात ही कुछ निराला है, धुआधार की खास कहना चाहिए तो भेड़ाघाट। हाँ, ये हमारे जबलपुर में बहुत ही फेमस है मूर्ति कला। कला में जबलपुर में बहुत सारी तथ्य छुपी हुई हैं, जैसे मदल महल, ये धुआधार, भेड़ाघाट हुए, जैसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगह हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें ऐसे ही अवसर मिलता है तो हम जाएंगे और वहां आपसे अवगत कराएंगे। सो फ्रेंड्स, और भी चलते हैं आगे और जैसे मिलते हैं लोग तो उनसे बातें भी करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, किस तरह से देख पा रहे फ्रेंड, यहाँ बैठे हुए हैं वृद्ध अम्मा लोग। तो हमें, हम आते हैं कहीं भी घूमते फिरते हैं तो हमें जो बैठे रहते हैं उन लोगों का थोड़ी सी हेल्प करना चाहिए, 2-4 रुपया दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 2-4-10 रुपया दे देने से हम गरीब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, 2-4 रुपया दे देने चाहिए, 10-20 रुपया जितना भी हो सके हमसे, क्योंकि इससे हमें वो दुआएं देते हैं और हमें कुछ भी कहीं भी जाते हैं तो हमें कोई भी बाधाएं नहीं होती। फ्रेंड्स, क्या है, लोगों की हेल्प करना चाहिए, ज़रूरी ये नहीं है कि हम, हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं है, ये कैसे हैं, पर है तो कर देना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि इंसान को खुद गर्ज नहीं बनना चाहिए। फ्रेंड्स, तो किसी को देख कर देखो अलग ही अनुभव होता है, अलग ही खुशी मिलता है। फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप भी मदद करते रहिए। तो फ्रेंड्स, हमने पूरा धुआधार घूमा तो और काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और पोन भाई लेते हैं विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।